पंचायत प्रतिनिधियों ने किया भेदभाव, वर्षों बाद भी सड़क निर्माण कार्य नहीं। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के वार्ड नंबर 15 के परसा गांव के ग्रामीणों ने राशि उठाव के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में मनरेगा कार्यालय से संपर्क करने पर मिट्टी कार्य की राशि का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन पुलिया निर्माण कार्य अभी बाकी है। ग्रामीण पुनीता देवी, सीता देवी, सविता देवी, भोला दास, शोभित मंडल समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रजौली पंचायत वार्ड नंबर 15 भागा टोल महादलित मोहल्ला है। मुखिया के द्वारा उक्त वार्ड को महादलित समझकर विकास कार्यों से दूर रखा जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में काम करने के लिए एकमात्र रास्ता है, जिसे दुरुस्त करने में पंचायत के मुखिया रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि भागा टोल के रामजी गुप्ता के दुकान से नहर तक मिट्टी भरा एवं पुलिया निर्माण के लिए विगत 4 महीने पूर्व कार्य हेतु मनरेगा का शिलापट लगाकर हल्का हल्का इधर उधर काम कराया गया था, जो किसी काम योग्य नहीं रहा। ग्रामीणों ने बताया कि एकमात्र रास्ता होने के कारण ग्रामीण छठ का त्योहार इसी रास्ते से कमला नहर तक जाते हैं। खेतों में मजदूरी के लिए भी खेत तक जाने का एकमात्र रास्ता होने के कारण उक्त रास्ते के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 5 साल से मुखिया के बेत कर छे, 5 साल से दे छे वोट, आते नहीं सड़क बनबे, ओय लोबे हम वोट दे छे, जिता दे छे, घुरो के नहीं आवे देखाले, चिन्हबो नहीं कर छे मुखिया के। कहां से कहां जे रोड है, कहां से कहां नहर तक है। नुआ उठा कर लोग भर बैठे उना पान हल का जाए, भर भर डार आ भर भर डार पान हल का छठ करे छी, खेती बाड़ी में जा छी, घास भूसा करे जा छी, नहीं होय गिर छी पड़े छी। प्रसाद गुप्ता के घर से नहर, कमला नहर के जो है मतलब किनारे जो है पाखर घास तक गिर जाता है कि हम लोगों का मेन मतलब रास्ता यही है घर से निकलने का। तो बोर्ड लगाया गया यहाँ पर, उस मुताबिक काम हुआ कि नहीं? बोर्ड तो लगा दिया 2-2.5 महीना पहले, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ कि इसका कारण मतलब आप लोगों को सामने में है, मतलब जो नहीं हुआ है काम जैसे के तैसे पड़ा।